भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पांचवें टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने जबरदस्त जीत हासिल की। आपको बता दें कि इंग्लैंड की टीम ने 7 विकेट से मुकाबला अपने नाम किया। मुकाबले में इंग्लैंड की तरफ से चौथी पारी में जब टीम 378 रन का पीछा करने उतरी, तब टीम के लिए पूर्व कप्तान जो रूट और बल्लेबाज जोनी बेस्टो ने शानदार बल्लेबाजी की। आपको बता दें कि जो रूट ने दूसरी पारी में 173 गेंदों का सामना करते हुए 142 रन बनाए, तो वहीं जोनी बेस्टो ने दूसरी पारी में नाबाद 114 रन बनाए। बता दें कि जोनी बेस्टो ने पहली पारी में भी 106 रन की इनिंग्स खेली थी और साथ ही उन्होंने दूसरी पारी में भी शतक लगाया। अब जोनी बेस्टो को लेकर पूर्व कप्तान जो रूट ने उनकी तारीफ की है। आपको बता दें कि जो रूट ने जोनी बेस्टो की तारीफ करते हुए कहा कि जोनी बेस्टो इस वक्त अपने क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं, साथ ही अब मुझे लगता है कि वह अपने क्रिकेट को स्पष्ट तरीके से जान चुके हैं और उसकी स्पष्टता को प्राप्त कर चुके हैं और इस वजह से वह गेंद को अच्छी तरीके से हिट कर रहे हैं और वह रन बटोर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह शांत तरीके से खड़े होकर पूरे कंट्रोल के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जोनी बेस्टो अब टेस्ट क्रिकेट का आनंद लेना शुरू कर चुके हैं। साथ ही जो रूट ने आगे कहा कि वह जब भी सीजन में खेलने आते हैं तो शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। सर्दियों के आखिरी छोर में भी जब वह थे तब वह असाधारण बल्लेबाजी कर रहे थे और उनके साथ क्रीज पर डटे रहना, दूसरे छोर पर यानी कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े रहना ही मजेदार होता है और उसे एंजॉय करना चाहिए। जो रूट ने कहा कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं उस बल्लेबाज को एंजॉय करते हुए देख रहा हूं जिसे मैं 12 साल की उम्र से जानता हूं। आपको बता दें कि बल्लेबाजी में शानदार प्रदर्शन करते हुए जो रूट और जोनी बेस्टो ने शतक लगाया और इंग्लैंड की टीम ने सीरीज को 2-2 पर बराबरी से रोका। इंग्लैंड की टीम 378 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी और उसके बाद जो रूट और जोनी बेस्टो ने शानदार साझेदारी की और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। आपको बता दें कि साल 2021 से जो रूट ने अपना 11वां शतक लगाया, तो वहीं जोनी बेस्टो ने भी इस साल शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और शतक अपने नाम किया। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वन इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।